ये कंपैरिजन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है यार, सच में मुझे मैं क्या करूं, मैं क्या बताऊं। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और इस वीडियो में हम भाई एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात कर रहे हैं, और वो इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है कि मैं कोशिश करूंगा कंपेयर करने के मेरे दोनों एक्सपीरियंसेस को हेयर ट्रांसप्लांट के पाकिस्तान में और तुर्की में। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, सिंपल कर देते इसको। सिंपल ये कि मैंने एक हेयर, दो हेयर ट्रांसप्लांट मैंने पाकिस्तान में किए, और अभी मैंने प्रीवियसली एक हेयर ट्रांसप्लांट तुर्की में किया। दोनों जगहों को मैंने एक्सपीरियंस किया, पाकिस्तान को भी और तुर्की को भी। और आई थिंक ये बेस्ट टाइम है कि मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ। और आप में से बहुत से दोस्तों ने यह क्वेश्चन भी किया था, और ऑफकोर्स ये बहुत एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन है कि मैंने दो मरतबा पाकिस्तान में भी हेयर ट्रांसप्लांट किया, एक बार तुर्की में भी किया। तो सुनना चाहेंगे जो जिनको भी पता चलेगा, वो ऑफ कोर्स उसका सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा, भाई आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, कौन सा अच्छा है, पाकिस्तान वाला अच्छा है या तुर्की वाला अच्छा है। तो इसके बारे में तो आई थिंक मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा सा क्लियर कर दिया था, बट यहाँ इस वीडियो में मैं दोनों को कंपेयर करूँगा। मतलब उसके प्राइस को कंपेयर करेंगे, और उसके जो प्रोसीजर होता है उसको कंपेयर करेंगे, कैसे ट्रीट करते हैं उसके बारे में कंपेयर करेंगे। मतलब जो भी मैंने वहाँ पर फील किया, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले कंपेयर करते हैं लोकेशन को, मतलब जहाँ पर ये क्लिनिक है। तो पाकिस्तान में जो मैंने हेयर ट्रांसप्लांट किया, वो मैंने पेशावर में किया, डॉक्टर हबीब साहब के पास, उनका क्लिनिक पेशावर में। और जो तुर्की में मैंने किया, वो इस्तांबुल में मैंने क्लिनिकाना से किया है। तो लोकेशन ऑफकोर्स अभी आपको पता है, पेशावर है और इस्तांबुल है। पेशावर को आप अगर इस्तांबुल के साथ कंपेयर करोगे तो ये तो क्लियरली मतलब विन विन है इस्तांबुल। मतलब अगर लोकेशन को अगर आप देखोगे, लोकेशन को एक्चुअली कंपैरिजन है भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल। कंपेयर मैं कैसे करूँ, इस तरह मैं नहीं करना चाहता कि मैं किसी एक को विनर बना दूँ, किसी और को लूजर बना दूँ। क्योंकि अभी तक जो मेरा हेयर ट्रांसप्लांट का एक्सपीरियंस था, तो ओवरऑल मैं बोल दूँ मेरा दोनों में अच्छा था। बट मैं एक एक चीज़ आप लोगों के साथ कंपेयर करना चाहता हूँ। तो लोकेशन जो है वो ऑफ कोर्स तुर्की का बहुत ज़बरदस्त है। इस्तांबुल किसको पसंद नहीं आएगा। ऑन दी अदर हैंड मुझे तो पेशावर भी बहुत पसंद है, पेशावर में बहुत टाइम गुजारा है। लेकिन पेशावर पेशावर है और इस्तांबुल इस्तांबुल है। तो लोकेशन का ये सीन है, बहुत प्यारा है इस्तांबुल भाई, और पेशावर भी अच्छा है। दूसरे नंबर पर जो हॉस्पिटल है, जो क्लिनिक है, वो अगेन जो पेशावर में मैंने किया था डॉक्टर हबीब साहब, अभी तो मैंने सुना है कि उन्होंने बड़ा हॉस्पिटल खोला है, जो कि मैंने नहीं देखा। मैंने एक्चुअली उनकी वीडियो देखी है, बट मैंने पर्सनली नहीं देखा और ना मेरी बात हुई। बट जिस टाइम पे मैंने हेयर ट्रांसप्लांट किया, और अभी तक आई थिंक जो चल रहा है, वो एक छोटा सा क्लिनिक है जो कि एक टिपिकल पाकिस्तान में क्लिनिक होता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास कोई जगह नहीं है या इक्विपमेंट नहीं है। प्रॉपर रूम्स है, स्पेशियस रूम्स है, और डॉक्टर साहब का अपना रूम, फिर पेशेंट्स के लिए अपना रूम, वेटिंग के लिए अपना रूम, बट छोटा क्लिनिक है। ऑन दी अदर हैंड जो वहाँ पर मैंने क्लिनिकाना में किया, तुर्की में किया, वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, बहुत बड़ा। वो एक्चुअली सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट के लिए नहीं था, वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। उसमें फिर हेयर ट्रांसप्लांट के लिए पूरा फ्लोर था इस तरह, और फिर हर चीज़ अच्छी अच्छी थी, और बड़े बड़े पैसे पैसे वाले मतलब चीज़ जगह था, बहुत स्पेशियस जगह थी और काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल था। तीसरे नंबर पे जो है वो है प्रोसीजर, मतलब जो ओवरऑल ट्रांसप्लांट की जो सर्जरी होती है, वो एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा, पाकिस्तान में मेरा कैसा था और तुर्की में कैसा था। और एक्चुअली आई थिंक यही मेन कंपैरिजन होना चाहिए, इसके बारे में बात होनी चाहिए कि दोनों का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो सबसे पहले मेरा जो पेशावर में एक्सपीरियंस था, उसके बारे में मुझे कोई क्वेश्चन नहीं। मतलब मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ, अभी रिजल्ट और प्राइसिंग इस सब पे आएंगे, अभी सिर्फ मैं वो एक्सपीरियंस जो मेरे सर्जरी हो रही थी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये माइंड में रहो, मिक्स मत करो। तो प्रोसीजर का जो मेरा एक्सपीरियंस था ना, वो ये था कि मैं जब फर्स्ट डे पे गया, जब मैं किसी को जानता भी नहीं था वहाँ पे, फर्स्ट डे पे मैं ना डॉक्टर हबीब साहब को जानता था और ना उनको ये पता था कि मेरा कोई यूट्यूब चैनल है। मैं एक नॉर्मल बंदे की तरह गया, तो और मेरा जो ट्रांसप्लांट उन्होंने किया, सिंपल मैंने अपॉइंटमेंट लिया, और फिर बाद में मतलब जब मुझे डेट दिया गया, फिर वापस मैं अपने घर में आया, मुझे बोला कि आप टेस्ट कर दो। मैंने कई सेट ऑथराइज जो उन्होंने लेबॉरेटरीज बताए थे, वहाँ से मैंने टेस्ट कर दिए। और फिर एक दिन पहले आपको रिमाइंड करा जाता है, कॉल की जाती है आपको, आई थिंक मैसेज किया जाता है कि आप आ जाओ, इस तरह मतलब जो प्रोफेशनल तरीका होता है उस तरह होता है। फिर आप जाते हो और आपके एक रूम में ले जाते हैं, बाल वाल काट देते हैं, और इस तरह मतलब प्रॉपर आपको सही तरह ट्रीट करते हैं। वो अच्छी एक्सपीरियंस थी, जो कि मैंने अपनी वीडियोस में उस टाइम पे जो मेरी एग्जैक्ट फीलिंग थी ना, अभी तो शायद मैं भूल भी गया हूँ, लेकिन जो मेरी एक्चुअल फीलिंग थी वो मैंने इन वीडियोज़ में बताई भी थी उन दिनों में, जो कि मैं बहुत खुश हुआ था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मुझे उसके बारे में कोई डाउट नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, जहाँ मेरा एक्सपीरियंस था परफेक्ट था। ऑन दी अदर हैंड जब मैं तुर्की में हेयर ट्रांसप्लांट के लिए गया, तो उसमें यह होता कि चूँकि हॉस्पिटल बहुत बड़ा था, उसमें हर
چیز اویلیبل ہوتی ہے تو نہ مجھے کئی بلڈ ٹیسٹ کے لیے باہر جانا پڑا مطلب ایک مرتبہ میں اندر گیا ڈاکٹرس کے ساتھ بات ہو گئی پھر ڈیٹ ویٹ آپ کو دیتے پھر جب آپ نیکسٹ ڈے جاتے ہو تو وہاں پر آپ کا بلڈ ٹیسٹ بھی ہو جاتا ہے وہاں پی سی آر بھی ہو گیا ہر چیز مطلب ہو گیا اور یہ کہ ترکی کے تقریباً جتنے بھی ہیئر ٹرانسپلانٹ والے وہ آپ کو ہوٹل پرووائڈ کرتے ہیں اور آپ کو مطلب پک اینڈ ڈراپ ایئرپورٹ تک دیتے ہیں اور اگر آپ ان کے ہوٹل میں اسٹے کرتے ہو تو وہ آپ کو اپنے ہوٹل سے مطلب پک اینڈ ڈراپ دیتے ہیں مطلب آپ کو ہر چیز ایکسٹرا ایکسٹرا کر کے دیتے ہیں اور ہاسپٹل بھی کافی بڑا ہوتا ہے جب آپ اس میں ایک روم سے دوسرے روم میں جاتے ہو ہر چیز فلیشی اور صاف اور کلین اور بڑا ہاسپٹل تو بندہ ویسے ہی بڑا امپریس ہو جاتا ہے ان کے وہ پک اینڈ ڈراپ سروس سے ہوٹل کے سروس سے کھانے وانے کے سروس سے ہر چیز سے بندہ بہت امپریس ہو جاتا ہے جو پروسیجر کا طریقہ ہے نا یہ تقریباً دونوں کا سیم تھا جو میں نے ایکسپیرئنس کیا جو مطلب پروسیجر کے درمیان میں جو آپ کو ٹی وی لگا ہوتا ہے جو کھانا پرووائڈ کرتے ہیں اور جو بینچ ہوتا ہے جو کیا بولتے ہیں اس کو جو بیڈ ہوتا ہے اس پہ جب بندہ لیٹتا ہے یہ ساری چیزیں تقریباً دونوں میں کمفرٹیبل تھی اور ٹی وی بھی لگا ہوتا ہے اور کھانا بھی آپ کا پوچھتے ہیں بائے دا وے پاکستان والا کھانا مجھے اچھا لگا تھا کیونکہ پلاؤ ولا وہ اپنا کھانا ہوتا ہے اور ایک چیز ہے مطلب یہاں پر جو ترکی والا جگہ تھی یہاں پر زبردست مطلب روم اسپیشس تھوڑا روم تھا اور کبڈ وبڈ تھا آپ اپنا کپڑے لگاؤ اور ایون اس کو لاک کر سکتے ہو چابی اپنے پاس رکھو تو یہ ساری چیزیں تھوڑا ایکسٹرا ہوتی ہے ترکی والے ہاسپٹل میں اور یہاں پہ چونکہ چھوٹا کلینک تھا تو روم مل جائے تو وہ بہت ہوتا ہے بٹ یہ کہ اسٹاف دونوں کے بہت ہیلپ فل تھے بٹ ایک چیز جو میں مینشن کرنا چاہتا ہوں جو کہ موسٹ امپورٹنٹ جو میں نے ایکسپیرینس کی سرجری کے دوران میں وہ یہ کہ پشاور میں نے دو مرتبہ سرجری کی تو آف کورس جب سرجری اسٹارٹ کرتے اور انستیزیا کے انجیکشن لگاتے تو یہاں سے اسٹارٹ کر لیتے پشاور میں یہاں اس طرح اسٹارٹ کر لیتے ہو یہاں یہاں کر کے تو اسٹارٹ میں تین چار انجیکشن میں مجھے درد ہوا اور اس کے بعد پھر مجھے بالکل درد فیل ہی نہیں ہوا کیونکہ ان کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا جو میں نے فیل کیا اب میں ڈاکٹر نہ ہو سکتا کیونکہ زیادہ آپ کو دکھتا ہے نہیں آپ جسٹ فیل کرتے ہو تو جو میں نے فیل کیا وہ انجیکشن اس طرح لگا رہے تھے کہ یہاں پر انجیکشن لگا دیا تو درد ہوا پھر اس کے قریب دوسرا لگا دیا تھوڑا سا درد ہوا بٹ چوتھے پانچویں تک پہنچتے پھر وہ جگہ سن ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو فیل نہیں ہوتا پھر وہ انستیزیا کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ جاتے 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 سارا سارا آپ کو سن کر دیتا ہے جہاں جہاں سے بال نکالنے یا لگانے ہیں یہ سین تھا پشاور میں تو مجھے درد اس کے بعد تین چار انجیکشن کے بعد مجھے درد نہیں ہوا اب ترکی میں سین یہ تھا کہ آنیسٹلی بتاؤں مجھے یہ اسٹارٹ کے جو انستیزیا کے انجیکشن تھے نا اس میں مجھے درد ہوا اور میں ان کو بتاتا تھا وہ پوچھتے تھے یہ تک کہ اسٹاف ہیلپ فل تھا وہ اس طرح نہیں تھا کسائی بیٹھے ہوئے تھے وہ فیل وہ مطلب دیکھتے نہیں تھے بٹ باوجود اس کے مجھے درد فیل ہوتا وہ اس طرح نہیں کرتے تھے کہ وہ ایک انجیکشن یہاں لگا دیتے پھر دوسرا یہاں پہ پھر یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ تو اس سے پھر سارا سر سن ہو گیا مطلب چار پانچ منٹ بعد پھر مجھے درد فیل نہیں ہو رہا تھا لیکن وہ تین چار مطلب اسٹارٹ میں کمپیئر ٹو پشاور مجھے یہاں پر تھوڑا زیادہ درد ہوا انستھیزیا کا باقی اس کے بعد پھر ہیئر ٹرانسپلانٹ کے دوران میں مجھے درد بالکل فیل نہیں ہوا نیکسٹ جو ہے وہ بات کرتے ہیں پرائز کے بارے میں اور یہی ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگوں کے ڈیسیزن چینج ہوتے رہتے ہیں پرائز آف کورس اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے پاکستان کا بہت کم ہے اس طرح سیم گوز فار انڈیا میں بہت کم پرائز ہے ہیئر ٹرانسپلانٹ کا مطلب ڈاکٹر حبیب جیسا پروفیشنل ڈاکٹر بھی آپ لوگوں کو کتنے میں مل جاتا ہوگا مجھے نہیں پتا آج کل کا پرائز تو میں نہیں بتا رہا بٹ کتنے میں مل جاتا ہوگا بٹ آن دی ادر ہینڈ ترکی میں دو گنا تین گنا چار گنا پانچ گنا وہ مہنگا ہوتا ہے یہ فیکٹ ہے یہ سچ ہے اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے اس سے مطلب یہ پروف نہیں ہوتا کہ اگر ترکی میں مہنگا ہے تو اور پاکستان میں سستا ہے تو یہ اچھا نہیں ہے اس طرح کوئی بات نہیں ہے پاکستان کی جو لوگوں کی آمدنی ہے جو ان کا انکم ہے اس کے حساب سے یہاں ریٹ سے اور ترکی میں جو لوگ جس طرح کماتے ہیں یورو میں اور ڈالرز میں کماتے اور لیرا میں کماتے تو پھر ان کو اس حساب سے فیس چل رہا ہے پاکستان میں روپیز میں فیس چل رہا ہے وہ چل رہا ہے اب پاکستان میں تو ترکی والا ریٹ نہیں چلا سکتے ہیں پاکستان میں ترکی والا ریٹ چلائیں گے تو پھر کون کرے گا اور ترکی میں پاکستان والا ریٹ چلائیں گے تو پھر وہ ڈاکٹر لوگ اور سارے کہیں گے کیا وہ ان کو کیا ملے گا تو پاکستان میں جب میں نے ہیئر ٹرانسپلانٹ کیا تھا میں آپ لوگوں کو اپنا پرائز بتا رہا ہوں لیکن اس کو یہ مت کرو کہ ابھی آپ ڈائریکٹ پوچھنا شروع کر دو کہ امریکہ تو اتنا میں ہوا تھا ہمیں کیوں زیادہ لے رہے ہو بھائی میں نے فرسٹ ہیئر ٹرانسپلانٹ جو کیا تھا میں 2017 میں کیا تھا اس ٹائم پہ $1 کے برابر میں تقریباً تھا اور دوسرا بھی ہیئر ٹرانسپلانٹ کیا تھا وہ بھی ابھی 2021 میں کیا تھا اور آپ پتہ نہیں یہ ویڈیو کب دیکھ رہے ہو تو ٹائم کے ساتھ پرائسز چینج ہوتے رہتے ہیں میں ترکی کا بھی آپ لوگ بتاتا ہوں اور پاکستان کا بھی پاکستان میں 2017 میں جو میں نے کیا تھا تو وہ میرا فل ہیڈ نہیں تھا صرف یہاں سے مطلب اس جگہ پہ کیا ہوا تھا زیادہ مطلب زیادہ بال نہیں لگائے تھے زیادہ روٹس نہیں لگائے تھے کیا بولتے ہیں اس کو زیادہ گرافٹس نہیں لگائے تھے اس کا میں نے پے کیا تھا 70,000 پاکستانی روپیز اس ٹائم پہ
दूसरा जो 2021 में किया उस टाइम पे प्राइस चल रहा था, मैंने फिर भी ज़्यादा मतलब ग्राफ्ट नहीं थे क्योंकि फिर ऑलरेडी मेरा यहाँ लग चुके थे, तो फिर क्राउन एरिया फील किया और ये जगह पे बाल लगा दिए। तो उसका जो उस टाइम पे प्राइस चल रहा था वो तकरीबन 1 लाख, मतलब ज़्यादा हो चुका था, 1,20,000 तकरीबन चल रहा था। अभी शायद इससे भी थोड़ा 20-30,000 बढ़ चुका हो या शायद इस तरह, डिपेंड करता है यार। जैसे कि मैंने बता दिया आपको, वो डॉक्टर जब आपका सर देखता है उसके हिसाब से फिर आपको बताता है कि आपके सर पे कितना खर्चा आएगा और कितने पैसे लगेंगे। किसी किसी के 1 लाख में काम हो जाए, किसी किसी का 1.5 लाख में हो जाए। बट मुझे नहीं लगता कि प्राइस अभी पाकिस्तान में इतने बढ़ चुके हैं कि 1.5-2 लाख से, मतलब मुझे नहीं लगता कि बढ़ चुके हैं। आई डोंट थिंक अभी 2022 में फरवरी में ये वीडियो बना रहा हूँ। दूसरा, तुर्की में जो अभी मैंने 2022 के फर्स्ट महीने में ये हेयर ट्रांसप्लांट के, तो इस टाइम पे जो पैसे प्राइस चल रहा है ये तकरीबन 2000 यूरो, 2050 यूरो से स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल बेसिक प्लान इनका पैकेजेस है, पैकेजेस में फिर चीज़ें इंक्लूड होती है। 2050 से इनका बेसिक पे जिसमें सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट इंक्लूड है, इस तरह पर आई थिंक 2200 है, तो उसमें फिर आई थिंक होटल पिकअप ये एयरपोर्ट पिकअप ऐड होता है। इस तरह 100 यूरो और बढ़ा दो तो इसका होटल ऐड हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इनके पैकेजेस वो चेंज होते रहते। तो अभी जो मैंने जिस टाइम पे किया, तो इस टाइम पे पैकेज 2050 यूरो से स्टार्ट थे और 2450 तक प्राइसेस थे इनके सारे, इंक्लूडिंग होटल और एयरपोर्ट ट्रांसफर सब कुछ। तीसरा जो एक ऑब्वियस कंपैरिजन है वो है रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट का अब मैं आपको लोगों क्या बताऊं, जो पाकिस्तान से जो मैंने रिजल्ट ट्रांसप्लांट किए उसका परफेक्ट ज़बरदस्त A1 रिजल्ट आया, उसके बारे में तो कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर जो अभी मैंने तुर्की में किया इसका भी मैं रिजल्ट नहीं, आप लोग देख सकते हो मेरा यही सीन है। और ये इसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ, 3-4 महीने 5 महीने बाद सही रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। 3 महीने के बाद दिखना शुरू हो जाएगा, 4-5 महीने इस तरह पर चलता रहेगा। तो उस टाइम पे फिर किसी दिन वीडियो बना देंगे रिजल्ट को, फिर देखेंगे। तो अभी जो मैंने आपको ये सारा कंपैरिजन बता दिया, इसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन पाकिस्तान क्यों चूज़ करता है, कौन तुर्की क्यों चूज़ करता है। तुर्की चूज़ करने के देखो ऑब्वियस से रीजन है। फर्स्ट नंबर पर वो ज़बरदस्त लोकेशन है, बंदे का टूर वूर भी हो जाता है ज़बरदस्त, मतलब इसमें कोई शक नहीं, जाएंगे बंदा हेयर ट्रांसप्लांट करेगा, 10 दिन की छुट्टी मारेगा, वो ज़बरदस्त सारा तुर्की भी घूम लेगा। तो ये एक ऑब्वियस रीज़न है। आप पेशावर में जाओगे तो कहाँ BRT में घूमोगे और क्या करोगे। और जितने भी पाकिस्तानी हैं जो कि कनाडा में और US में रहते हैं और जिनकी मतलब वहाँ की नेशनलिटीज़ है, तो वो कभी कभी वो प्रेफर करते हैं कि तुर्की जाए पाकिस्तान ना जाए, फॉर सम रीज़न्स, ये मैंने देखा है। तो वो तुर्की को प्रेफर करते हैं, वो तुर्की जाते हैं। अब इसमें कुछ हो नहीं है, बाकी मतलब इस तरह नहीं है कि वो रिज़ल्ट उनको अच्छा नहीं लगता। मेरा एक अच्छा जानने वाला था और उसको फर्स्ट जब मैंने ट्रांसप्लांट किया तो उसको मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा। उसको मैं बोल रहा था कि मैंने पाकिस्तान से किया, उसको मेरा रिज़ल्ट भी अच्छा लगा, लेकिन वो फिर भी उसने तुर्की से कर दिए क्योंकि उसको पाकिस्तान जस्ट नहीं जाना चाहता था, यही एक रीज़न था उसके पास। और पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान में लोग ट्रांसप्लांट इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान में उनको सस्ता एक अच्छा डॉक्टर मिल सकता है, तो वो तुर्की क्यों जाए। सिंपल सा रीज़न है ये कंपेरिज़न। तो अभी आप देखो, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे और घूमने वूमने का भी मूड हो रहा है तो तुर्की चूज़ करो और जाओ वहाँ पर तुर्की में हेयर ट्रांसप्लांट करो। और अगर अंडर बजट हो और अच्छा रिजल्ट भी चाहिए, ट्रांसप्लांट भी चाहिए, तो पाकिस्तान में जाओ। यही एक मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। और क्या बताऊँ, और अक्सर लड़कों को ये भी बड़ा डर होता है कि यार उनको कोई गंजा ना देखे, कोई ट्रांसप्लांट करते ना देखे, तो ये तुर्की वाला आपको ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करेगा। जब आप तुर्की से आओगे तो हो सकता है आपके मतलब वो ट्रांसप्लांट वाला सीन ख़त्म हो चुका होगा 15-20 दिन बाद अगर आप आओगे, तो फिर किसी को पता ही नहीं चलेगा इस बंदे ने ट्रांसप्लांट किया या नहीं किया। तो और अगर आप अंडर बजट हो और अच्छा डॉक्टर आपको चाहिए, अच्छा रिजल्ट आपको चाहिए, तो आप पाकिस्तान में कर लो। यही एक मैं आपको बोल सकता हूँ। और कुछ इसमें और कुछ इस तरह नहीं, अभी तक मैं दोनों से मुतमईन हूँ और दोनों के प्रोसीजर से, दोनों के हर चीज़ से मतलब मैं मुतमईन हूँ। तो आई थिंक दैट्स इट। और आई होप मैंने कंपैरिजन में कोई ख्यानत ना की हो, मैंने सही तरह कंपैरिजन किया हो, मैं जो मैंने फील किया, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।